सो गाइस सैमसंग गैलेक्सी S21 प्लस स्मार्टफोन को यूज करते हुए मेरे को अच्छा खासा टाइम हो गया और स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी के लिए फाइनली मैं सैमसंग गैलेक्सी S21 प्लस स्मार्टफोन का जो रिव्यू है लेके आ चुका हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल शर्मा और आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं सैमसंग के गैलेक्सी S21 प्लस स्मार्टफोन का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड नाउ विदाउट वेटिंग एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस बात करते हैं सबसे पहले स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के साथ। तो डिजाइन की अगर हम बात करें तो शुरू में अगर आपको याद हो मैंने अनबॉक्सिंग में बोला था कि यार आई एम नॉट सो श्योर कि ये वाला जो कलर वेरिएंट है ना ये कितने लोगों को पसंद आएगा और आई वाज नॉट इवन श्योर कि यार मैं इसको पुल ऑफ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बट जितने टाइम से मैंने इसको यूज किया है नाउ आई हैव गॉटन यूज्ड टू इट। और इसकी बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो गाइस आपको एक एक्सीलेंट बिल्ड क्वालिटी मिलेगी। मतलब इस स्मार्टफोन पे ना मैंने कोई कवर नहीं लगाया, कवर बॉक्स में था नहीं और मैंने खरीदा भी नहीं। और इसके अलावा इसका जो आगे स्क्रीन गार्ड लगा होता ना वो बिकॉज मैं एंड्रॉइड के जेस्चर नेविगेशन यूज करता हूं तो मैंने उसको हटा लिया बिकॉज वो ना आपके अंगूठे को हमेशा मतलब हर्ट वगैरह करता है। तो मैंने विदाउट एनी स्क्रीन गार्ड विदाउट एनी कवर स्मार्टफोन को यूज किया और इसके फ्रेम पे इसकी डिस्प्ले पे या इसकी बैक पे अभी तक कोई स्क्रैच नहीं आया। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि यार आप कवर मत यूज करो, आप स्क्रीन गार्ड मत यूज करो, आपको करना चाहिए अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना चाहते हैं। बट पर्सनली मेरा पॉइंट ये है कि यार मेरा टेस्ट अगर देखें ना इस स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी को लेके, इसके ओवरऑल कंस्ट्रक्शन को लेके, तो वो इस स्मार्टफोन ने अच्छे तरीके से पास कर लिया है और कोई दिक्कत इसमें मेरे को नहीं आई। इसके अलावा कोई फ्लेक्सिस नहीं आए, कोई यहाँ पे आपको बेंडिंग वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। और स्मजेस की अगर हम बात करें तो यार इनिशियली अनबॉक्सिंग के टाइम पे तो यार इजिली बंदा बोल देता है कि कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं पड़ रहे, स्मजेस नहीं आ रहे। बट इतने टाइम यूज करने के बाद भी इट इज क्लीन। मेरे को इसको मतलब वो ऐसे नहीं कि कपड़े वपड़े लेके साफ करना पड़ गया, बिल्कुल स्मज फ्री एक्सपीरियंस आपको गैलेक्सी S21 प्लस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा आगे पीछे दोनों तरफ। तो ये एक अच्छी चीज मेरे को लगी कि यार अगर आप चाहते हो ना एक स्मार्टफोन जिसमें आपको वो फिंगरप्रिंट मैग्नेट वाली फील ना आए तो गैलेक्सी S21 प्लस जो स्मार्टफोन है इट कुड बी अ वेरी गुड चॉइस फॉर यू। इसका कैमरा जो बंप है ना पीछे की तरफ से, ये मैंने आपको S21 अल्ट्रा स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग में इफ आई एम नॉट रॉन्ग बताया था आपको कि यार उसका जो कैमरा बंप था, कैमरा मॉड्यूल था वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा था और गेमिंग के टाइम पे ना कई बार मेरे को लग रहा था कि यार दिक्कत आ सकती है। ये चीज मेरे को गैलेक्सी S21 प्लस स्मार्टफोन में नहीं दिक्कत लगी। और ओवरऑल अगर हम बात करें यार स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन की तो यार आई वुड सीरियसली से कि यार गैलेक्सी S21 प्लस जो स्मार्टफोन है एक ट्रू फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, अच्छी आपको यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी मिलेगी और इस चीज में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके बढ़ते हैं आगे की तरफ और डिस्प्ले की बात करते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है एक फ्लैट पैनल और यूजुअली मैं कर्व्ड पैनल वाले जो स्मार्टफोन होते हैं ना उनको प्रेफर करता हूँ। बट यहाँ पे एक चीज मैंने नोटिस की कि अगर आप गेमिंग के लिए स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं तो आपको मतलब फ्लैट पैनल ही ऑप्ट करना चाहिए और गैलेक्सी S21 प्लस जो स्मार्टफोन है इसमें आपको सेम फ्लैट डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले की वैसे अगर हम बात करें तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और बहुत ही फास्ट आपको यहाँ पे स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो है बट यहाँ पे फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है गाइज। और बहुत सारे लोग स्केप्टिकल होते हैं कि यार फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, व्हाट इफ QHD प्लस होता, चीजें बेटर होती, नो डाउट्स होती। बट अगर आपके पास यही स्मार्टफोन है, मतलब अगर आपके पास घर पे या कंपेयर करने के लिए, बेंचमार्क करने के लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जिसमें QHD प्लस रेजोल्यूशन हो, आई डोंट थिंक यार आपको कोई खास दिक्कत इस स्मार्टफोन में आने वाली है। सो 90-95% जो लोग होंगे ना उनको सैमसंग गैलेक्सी S21 प्लस स्मार्टफोन की डिस्प्ले बहुत अच्छी लगने वाली है। आउटडोर कंडीशंस की अगर हम बात करें बहुत ब्राइट डिस्प्ले है, व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं। और एक और चीज गाइस, मतलब आउटडोर कंडीशंस की बात तो मैंने आपको बता दी थी पिछली वीडियो में भी, बट पिछले एक महीने में इस स्मार्टफोन को जितना मैंने यूज किया ना, वन मोर थिंग आई नोटिस इज द फैक्ट दैट यार रात को सोते हुए या डार्क लिट कंडीशंस में भी ना बंदा अपने स्मार्टफोन को यूज करना चाहता है। ऑफ कोर्स आप कोई बुक्स वगैरह पढ़ना चाहते हो, आप सोशल मीडिया यूज करना चाहते हो, गेम खेलना चाहते हो, तो उस टाइम पे ना कई स्मार्टफोन्स की ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा होती है और आपकी आंखों पे बहुत स्ट्रेन आता है। यहाँ पे इसकी जो लो ब्राइटनेस है ना, लोएस्ट ब्राइटनेस है रादर, दैट इज टू लो। सो ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी। आपको सैमसंग गैलेक्सी S21 प्लस स्मार्टफोन में एक वर्सेटाइल डिस्प्ले मिलती है, मतलब किसी भी कंडीशन में आप जाओगे तो आपको ऑप्टिमम एक ब्राइटनेस यहाँ पे देखने को मिलेगी। दैट
दैट इज अ वेरी गुड थिंग। दो चीजें मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूंगा बोनस टिप्स। एक तो यार टच सेंसिटिविटी वाला एक ऑप्शन है इस स्मार्टफोन के मेन्यू में जाके, बहुत सारे सैमसंग स्मार्टफोन्स में होता है दैट एंड द वीडियो एनहेंसर मोड। इन दोनों टॉगल्स को आप ऑन करके रखना, आप अगर कॉन्टेंट कंजप्शन के लिए स्मार्टफोन को यूज करना चाहते ना, आपका एक्सपीरियंस और बेटर हो जाएगा। और लास्ट थिंग है यार विविड और नेचुरल डिस्प्ले जो मोड्स हैं, मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ इसका विविड वाला मोड बिकॉज मेरे को ना पंची कलर ज्यादा पसंद आते हैं। बट स्टिल अगर आपको ट्रू टू लाइफ वाले नेचुरल मोड चाहिए, नेचुरल कलर चाहिए रादर, तो इसका नेचुरल जो डिस्प्ले मोड है वो आपके लिए एक आइडियल चॉइस हो सकता है। एंड गाइस कॉल क्वालिटी सिग्नल रिसेप्शन की अगर हम बात करें तो यार यहाँ पे भी गैलेक्सी S21 प्लस स्मार्टफोन में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अपने घर के अपने फ्लैट के हर कोने में मैंने कॉल करने की ट्राई की है, इसके अलावा बाहर जितना भी मैं घुमाऊँ और स्मार्टफोन पे जितनी मैंने कॉलिंग की है कोई कॉल ड्रॉप मैंने नोटिस नहीं किया और यहाँ पे सिग्नल रिसेप्शन में कोई दिक्कत नहीं आई। एक इंपॉर्टेंट चीज गाइस मैं मेंशन करना चाहूंगा इज द फैक्ट दैट इसका जो वाईफाई रिसेप्शन है ना दैट इज एक्सीलेंट। मतलब हमारे पास कौन सा नोट 10 प्लस, हाँ सो स्टाइलिस्टिंग्स यूजेस अ गैलेक्सी नोट 10 प्लस स्मार्टफोन एंड हमारा जो बेडरूम है ना वहां तक पहुंचते पहुंचते गैलेक्सी नोट 10 प्लस स्मार्टफोन में वाईफाई सिग्नल जो है वो कहीं ना कहीं मतलब नहीं आते ढंग से, कई बार तो वो सिग्नल बिल्कुल लॉस्ट ही हो जाता है। तो गैलेक्सी S21 प्लस स्मार्टफोन में ऐसी दिक्कत नहीं आई और मतलब बिल्कुल कोने पे जाके भी जब मैं वाईफाई यूज कर रहा हूँ तो अच्छा आपको यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है। सो यस अगर हम बात करें ओवरऑल यहाँ पे कॉल क्वालिटी की और इसके अलावा सिग्नल रिसेप्शन की तो गैलेक्सी S21 प्लस स्मार्टफोन एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। और गाइस गैलेक्सी S21 प्लस स्मार्टफोन को जब मैंने अनबॉक्स किया था ना तब भी एक बात बोली थी बिकॉज ये चीज जो है ना ये टाइम के साथ डिग्रेड नहीं होती दैट इज द बायोमेट्रिक्स। तो गैलेक्सी S21 प्लस स्मार्टफोन में आपको ऑफ कोर्स एक फेशियल अनलॉक मैकेनिज्म मिलता है और साथ में मिलता है एक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर से स्मार्टफोन को अनलॉक करने का जरिया, और दोनों के दोनों जो ये मैकेनिज्म है ना मेरे हिसाब से बहुत फास्ट है। मतलब मेरी टेस्टिंग में मैंने बहुत सारे स्मार्टफोन्स को इसके साथ कंपेयर किया एंड द गैलेक्सी S21 प्लस स्मार्टफोन probably beats them all। इसका बहुत ही fast fingerprint scanner है और unlock mechanism की अगर हम बात करें facial वाले तो फिर से मैं benchmark बनाना चाहूँगा यहाँ पे Galaxy Note 10 Plus smartphone को that has a sluggish facial unlock। यहाँ पे Galaxy S21 Plus smartphone में आपको एक बहुत ही fast facial unlock मिलेगा और मेरे हिसाब से biometrics में Samsung ने एक बहुत तगड़ा job किया है। गाइस कंटेंट कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो गैलेक्सी S21 प्लस स्मार्टफोन इज अ वेरी गुड स्मार्टफोन, ट्रस्ट मी ऑन दिस। डिस्प्ले स्मार्टफोन की बहुत अच्छी है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और इसके अलावा इसका जो ऑडियो एक्सपीरियंस है ना ऑडियो क्वालिटी है दैट इज ऑल्सो फ्लैगशिप एंड दैट इज ऑल्सो टॉप नॉच। आपको यहाँ पे दो स्पीकर्स मिलेंगे और मेरे हिसाब से यार बहुत ही लाउड स्पीकर्स हैं, बहुत ही क्रिस्प आपको यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी मिलेगी। और बैटरी की भी वैसे अगर हम बात करें तो यार आपको अच्छा खासा बैटरी बैकअप यहाँ पे मिलने वाला है। तो ओवरऑल कॉन्टेंट कंजप्शन के लिए Galaxy S21 Plus जो स्मार्टफोन है इट्स एन एक्सीलेंट स्मार्टफोन। गाइस बात करें Samsung Galaxy S21 Plus स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आपको मिलता है एक Exynos 2100 प्रोसेसर, और जितना मैंने इसको मतलब काम कराया ना जितना मैंने इसको टास्क दिया है इसने कोई भी लैग वगैरह मेरे को शो नहीं किया। आई मीन टू से आपको एक बहुत ही ऑप्टिमम अच्छी खासी तगड़ी फ्लैगशिप परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब यार ओवरहीट होता है कि नहीं होता, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं ये कि यार Exynos का प्रोसेसर है और टैग लगा होता है ना कि यार ओवरहीट होना ही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप इस स्मार्टफोन को वायरलेसली चार्ज कर रहे हो ना तो ये थोड़ा सा हीट अप होगा, और ये किसी भी स्मार्टफोन के साथ होता है। मतलब जितने भी मार्केट में फोन है ना अगर आप उनको वायरलेसली चार्ज करने की ट्राई करोगे तो वो हीट अप होते हैं। इसके अलावा जब मैंने इसको अपडेट वगैरह किया ना बिकॉज फ्रीक्वेंट अपडेट इस स्मार्टफोन में आ रहे हैं तो अपडेट के टाइम पे स्मार्टफोन थोड़ा सा हीट अप होता है। इसके अलावा अगर आप गेमिंग करते टाइम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार ये स्मार्टफोन उबलने लगेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब यार मतलब जैसा मैंने फील किया मैं आपको वही बताऊंगा ना, तो मैं आपको पीयर प्रेशर में आके बोल दूं कि नहीं नहीं ये स्मार्टफोन बहुत गर्म होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। गैलेक्सी S21 प्लस स्मार्टफोन में आपको एक अच्छी खासी तगड़ी परफॉर्मेंस मिलेगी और Exynos का जो 2100 प्रोसेसर है इन माय वेरी ऑनेस्ट एंड ओपन ओपिनियन पिछले प्रीडिसेसर जो इसके प्रोसेसर थे ना उनके कंपैरिजन में बहुत ऑप्टिमाइज्ड है और बहुत बेटर तरीके से ये आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। एंड गाइस परफॉर्मेंस को लेके मेरा वर्डिक्ट तो मैं आपको दे चुका हूँ, अच्छी खासी आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। बट स्टिल फॉर दोज ऑफ यू जो गीक बेंच वगैरह बेंचमार्क्स वगैरह में भरोसा रखते हैं मैं आपको इस स्मार्टफोन के ना गीक बेंच टेस्ट N22 टेस्ट और जितने भी टेस्ट वगैरह मैंने किए हैं उनके स्कोर्स भी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ सो दैट आपको एक आइडिया हो जाएगी यार गैलेक्सी S21 प्लस स्मार्टफोन का Exynos 2100 जो वेरिएंट है ये परफॉर्म कैसा कर रहा है सिंथेटिक बेंचमार्क्स वगैरह पे।
और गाइस सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात करें तो एंड्रॉइड 11 स्मार्टफोन में आपको मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, साथ में है One UI 3.1, फरवरी 2021 का सिक्योरिटी पैच जो है मेरी यूनिट में अभी के लिए यही है, बट टेक स्टफ में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यार मार्च 2021 वाला जो एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच है ना, ये गैलेक्सी S21, 21 प्लस, 21 अल्ट्रा तीनों स्मार्टफोन्स में रोल आउट होना हो चुका है शुरू। तो यस, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यार मेरी जो ये जो यूनिट है इसमें भी जल्दी ही ये वाला अपडेट आ जाएगा। So guys, last but not the least, Samsung Galaxy S21 Plus स्मार्टफोन का कैमरा कैसा है? तो यार मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा कि यार अगर आपको एक फ्लैगशिप लेवल फोटोग्राफी करनी है ना, तो Galaxy S21 Plus स्मार्टफोन इज अ वेरी गुड चॉइस। नाइट मोड की अगर हम बात करें तो आपको एक बहुत तगड़ी यहाँ पे लो लाइट कंडीशन वाली फोटोग्राफी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा मून शॉट बहुत अच्छा है स्मार्टफोन का, मतलब चंद्रमा तक जा सकता है ये स्मार्टफोन। जूमिंग भी अच्छी है स्मार्टफोन की, 30x है, अल्ट्रा जितनी जूम तो नहीं है बट स्टिल आपको डिसेंट यहाँ पे लेवल की क्लैरिटी देखने को मिलेगी इसकी जूम शॉट्स में भी। अगर हम बात करें इसकी सेल्फीज वगैरह की तो गाइस स्टाइलिस्ट्स ने इसको बहुत ट्राई किया है, बहुत चेकआउट किया है स्मार्टफोन को, एंड हर वर्डिक्ट इज आल्सो मोर और लेस द सेम कि गैलेक्सी S21 प्लस स्मार्टफोन में आपको एक बहुत तगड़ा कैमरा मिलता है। वंस अगेन गाइस 8K 24fps है रियर कैमरा, 4K 60fps आप इसके फ्रंट कैमरा से भी वीडियो शूट कर सकते हैं। बहुत तगड़ी आपको यहां पे स्टेबलाइजेशन मिलती है। और अगर हम बात करें स्मार्टफोन के पोर्ट्रेट मोड की तो ये एक ऐसी चीज है जो हम सब लोगों को बहुत अच्छी लगी। एक्सीलेंट पोर्ट्रेट शॉट्स यू कैन गेट विद द सैमसंग गैलेक्सी S21 प्लस स्मार्टफोन। एंड गाइस अगर हम बात करें सैंपल शॉट्स की, सैंपल वीडियोस की, तो ये जो मेरी बात हो रही ना इस डायलॉग बाजी के बाद मैं आपको कुछ सैंपल्स वगैरह तो दिखाऊंगा, बट सैमसंग गैलेक्सी S21 प्लस स्मार्टफोन को एक्सटेंसिवली हमने इंस्टाग्राम पे भी कवर किया है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगा, आप जाके वो सारी सैंपल फोटोज और वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। So guys, this was the Samsung Galaxy S21 Plus smartphone for you. और जितने टाइम से मैं स्मार्टफोन को यूज कर रहा हूँ, सिंपल शब्दों में बोलना चाहूंगा आई एम थॉरली इम्प्रेस विद दिस स्मार्टफोन। और अगर आप इस स्मार्टफोन को लेने की सोच रहे थे तो आई होप कि यार आपको इस वीडियो से कोई अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा, स्मार्टफोन को लेके आपका बाइंग डिसीजन जो है वो थोड़ा सा ईजी हुआ होगा। सो वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, फलते फूलते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, पीस, जय।